तो श्री है यहाँ पे स्नोमैन बनानी है। चलो ठीक है ठीक है, अच्छा सब मिलकर बनाओ। चलो ठीक, बस थोड़ा सा कपड़े गीले हो जाएंगे। बस बस पहली बार आ रहे आपके, पहले देखी आपने बर्फ? मैंने बर्फ पहली बार देखी। पहली बार देखी, कैसा लगा? पहले तो रोज ही देखी है। तो गाइस यहां पर एक, तो गाइस यहां पे शूटिंग हो रही है। कौन से गाने की शूटिंग होगी भैया? अरे भाई जी, तो एक बार फिर से वेलकम आप सभी का न्यू व्लॉग में। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है शिमला से, और ये है पीछे शिमला का ओल्ड बस स्टैंड। और कैसे हैं आप सभी? आई हो सब अच्छे ही होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है? क्योंकि आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं एक और फैमिली के साथ जो शिमला में ठहरी है गुलमर्ग होटल में। वो कल ही आ चुके थे और उनके साथ जा रहे हैं हम आज नारकंडा टूर में। तो नारकंडा का टूर आप देखोगे आज, और आज आपको बताया जाएगा कि नारकंडा में कितनी बर्फ है, क्या वहाँ पे प्रोसेस होता है, क्या स्नो एक्टिविटी होती है, क्या पैकेज रहता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। और आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आपने टैक्सी में सफ़र करना है तो क्या चार्ज रहते हैं, और अगर आपने बस में सफ़र करना है तो आप कैसे बस में सफ़र कर सकते हैं। देखो मैंने अपने व्लॉग में सब चीज़ पहले बता रखी है, बट फिर भी मैं आपको हर एक चीज़ आज अच्छे से एक्सप्लोर कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये ओल्ड बस स्टैंड है और सुबह का मौसम देखो, और अभी शिमला में आपको कहीं बर्फ नहीं देखने को नहीं मिलेगी। गाइस आप लोग पूछ रहे थे ना कि शिमला में बर्फ है कि नहीं है। नहीं भाई, शिमला में अभी कहीं बर्फ नहीं है। बर्फ देखनी है तो सिर्फ कुफरी जाओ या नारकंडा जाओ, ठीक है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर पहुंच चुके हैं ग्रीन वैली, जो एशिया की सबसे बड़ी ग्रीन वैली है। ये देख लो आप, यहाँ पे फोटो सेशन होता है, बहुत अच्छा होता है। तो बोलते हैं ऐसा कि इस ग्रीन वैली में ऐसे ऐसे तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं ना, जो आज तक हमने भी नहीं देखे कभी। और जितनी खूबसूरत कैमरे में दिखाई दे रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ना ये एक्चुअल में है। और सूर्य भगवान जी देखो। तो यहाँ पे जो हमारी दिल्ली से फैमिली आई है वो फोटो शूट करवा रही है, और ये अपना सामने खड़ा है टेम्पो ट्रैवल। और अभी हम नारकंडा के लिए निकले ही हैं जस्ट। तो मौसम बेहद ही अच्छा हो रहा है, धूप लगी है देखो। और अभी नारकंडा जाके देखते हैं भाई क्या सिस्टम रहेगा, क्या नहीं रहेगा, बर्फ़ कितनी है कितनी नहीं रहेगी। तो गाइस अभी हम बस फागू से जस्ट आगे निकले ही हैं, और यहाँ पे अपनी टेम्पो ट्रैवल है। और कुछ लड़कों की, बच्चों की ना तबीयत ख़राब हो रही थी, तो जिस वजह से गाड़ी रोकनी पड़ी। थोड़ी थोड़ी देर के हल्के की तबीयत ख़राब हो रही थी। और अब हम इसके बाद पहुँच गए ठियोग। ठियोग में देखते हैं हम रुकते कि नहीं रुकते, नहीं तो उसके बाद हम सीधे निकलेंगे नारकंडा की ओर ही। तबीयत ख़राब हो जाती है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। हमने एकदम गाड़ी रोक दी, और सही रहा बच्चों को, क्योंकि पहाड़ों पे ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे भी हम पहुँच चुके ठेक में, और ये जो सामने आपका ये वाला रोड जा रहा है ना, राइट साइड वाला, ये जाएगा आपका रोडू और कोटखाई के लिए। और ये सामने जो लेफ्ट साइड वाला, ये जाएगा आपका नारकंडा के लिए और रामपुर किन्नौर के लिए। तो जस्ट हम यहाँ पर थोड़ा सा सामान ले रहे हैं, तो ब्रेक लिया था हमने, और अब हम जाएंगे सीधा नारकंडा, और नारकंडा ही रुकेंगे। तो कोटखाई रोडू के लिए ये वाला जाता है। चुके हैं नारकंडा में, और नारकंडा में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, और अभी जाएंगे हम हाटू वाली साइड में, हाटू पे का आपका, जहाँ पे स्नो एक्टिविटी होती है और एडवेंचर एक्टिविटी भी होती है सब कुछ। तो निकलेंगे अभी। बर्फ़ देखो, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और काफ़ी लोग मस्ती कर, देखो देखो भैया काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। चलो 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 हमारे जो भगवान है, हमारे जो अस्तित्व है, जो बुजुर्ग है हमारे, उनका दिया हुआ ये गिफ्ट है। उन्होंने ऐसी जगह का अभी भी देख लो बाप, चीज बना के रख, चीज बना के रख रखी है बेटा। जो दिल्ली है
क्या बात है, क्या क्वेश्चन पूछा आपने। वहाँ पे वहाँ पर ऐसा व्यू नहीं आता ना बेटा। कैसे भाई आपको कैसे लग रहा है बताओ पहले। भाई मैं सच बताऊं ये व्यू बहुत ही प्यारा है, यहाँ के बारे में कुछ नहीं बता सकते कि ये जो आज हम जर्नी कर रहे हैं ना ओपन जर्नी बहुत ही यूनिक लाइक। बट आपको इंतजार करना पड़ा, बाकी कुछ नहीं हुआ। इंतजार तो होता है, थोड़ा सा फल मीठा होता है। आगे देखो तो कितना अच्छा व्यू है, देखो आगे का। तो भाई जब यहाँ पे 4x4 गाड़ी में जा रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा आज स्नो चैन लगा रखी। पिछली बार ना स्नो चैन थी इसमें, अच्छा इस बार स्नो चैन लगा रखी इन्होंने। ऐसी इससे भी ज़्यादा मिलेगी ऊपर, देखने इससे ज़्यादा देखने को मिलेगी। नहीं 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 स्नोफॉल नहीं हो रहा, पर स्नो देखने को बढ़िया मिल जाएगा हमारे को देखने को। यही दिक्कत है क्योंकि इसमें पासिंग नहीं हुआ है ना कहीं बीच में, तो बस तभी तो एक जब जाएगा तो दूसरा तभी आएगा। फाइनली हम 4x4 गाड़ी में ट्रे आके नारकंडा पहुंच चुके हैं और सबने शूज़ भी ले लिए हैं और ड्रेस की भी जरूरत लगी इतनी नहीं है, ड्रेस की इतनी जरूरत नहीं है, तो बस शूज़ लिए सब लोगों ने और सब लोग निकल चुके हैं। तभी हम जा रहे हैं ऑटो पिक के लिए। पहले पानी दे दो, पहले तो एक बोतल, तो पहले पानी दे दो हम। आंधी बार लिख लियो ना, ध्यान रखना। तो एक हमने पानी की बोतल ले लिए और अभी ऑटो पिक का ट्रैक करते करते ऊपर की ओर जाएंगे। ये आपका ग्राउंड है यहाँ पे, और जो भी फैमिली है दिल्ली की फैमिली है उनसे भी आपको मिलाऊंगा। और अभी आपने देखा उनका एक्सपीरियंस कि उनको बहुत अच्छा लगा कि ओपन गाड़ी में है ना, 4x4 गाड़ी में तो बहुत मजे करते हैं। पहुँचे हम सब यहाँ पे। चलते चलते ब्रो ऊपर ऊपर तभी पहुंचेंगे टाइम से। हमारे कल्लू मामा, मामा कल्लू, ये हमारे कल्लू मामा। दीदी साइड से नहीं चाहिए इधर। आजा आजा, कैसा लग रहा आपको पहले आप बताओ। अच्छा लग रहा है, पहले भी देखी थी पर पहली बार देखा, फर्स्ट टाइम, पहली बार। और आपने? थर्ड टाइम देख रहा। अच्छा अच्छा, आपने कहा पहले कहा देखी, मनाली में कहा देखी? अच्छा एक बार शिमला। अच्छा थके तो नहीं? नहीं आप तो नहीं, आप तो नहीं थकते ना, इनसे पूछ रहा था मैं। तो भाई हम उस वाले पड़ाव पे पहुंच गए जहाँ पे इग्लू, देखो भाई यहाँ बनना था इग्लू, यहाँ बना रहे थे इग्लू इस पॉइंट पे। हाँ ईंट पड़ी होगी ना कोई। हाँ हाँ ईंट पड़ी है, देखो यहाँ पे। ये देखो तो भाई यहाँ पे ईंट बर्फ की ईंट उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको, तुम बताओ पहले तो। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा हां ना, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? बहुत डस में आ गए तो बहुत अच्छा, मुझे आ रहे हो बहुत बर्फ है, बहुत बर्फ है। अभी तो कुछ नहीं है, यहां देखो पर आ गए कुछ। बैग एक साइड रख दो ना, अब तक कहीं भी आ गए हम, पहुंच तो गए, यही है ना। शाबाश शाबाश, दिल्ली में लेना हाथ गए, हाथ गए। आप कल तो आप तो नहीं लग रहा कुछ। हाँ
हाथ गए जम गए, ठंड लग रही है, हाथ ही बहुत अच्छे से कुछ भी जम रही है। आगे देखो, आगे देखो वहाँ पे कितनी बर्फ होगी। हाँ वहाँ धूप है, वहाँ चलते हैं। आने तो सबको आ जाएगी ना, आ जा कौन बोला था स्नोमैन बनाएगा, कौन बनाएगा? अच्छा ठीक है ठीक है, बनाओ तो देखते हैं। हाथ थोड़े गर्म कर लो पहले, फिर बनाएंगे। हाँ स्नोमैन, हाय देखो कैसा लग रहा आपको। तो श्रीया यहाँ पे स्नोमैन बनानी है, चलो ठीक है ठीक है, अच्छा से सब मिलकर बनाओ, चलो ठीक है। देखो पर हाथ आपके बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। भाई तू कपड़े गीले कर रहा, पैंट गीली कर ली भाई, नहीं बनेगा भाई बहुत ठंड। तो बना नहीं श्रीया, बना नहीं, बनेंगे बनेंगे बनेंगे, ठंडी लगती लेट लेट के तो ना यहाँ बन सकते हैं। अच्छा चल ठीक है बनाओ बनाओ, चलो देखते हैं बनाएंगे कि नहीं, बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, चलो ठीक है, नहीं है ज्यादा तो बन जाएगा। अच्छा अच्छा, तो गाइस यहाँ पे स्नो मैन बनाने की कोशिश की जा रही है, देखते बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। श्रीया का ठंडे हो चुके हैं, बट इनकी कोशिश अभी भी जारी है, मुझे लग रहा है इग्लू बनने का। तो इग्लू बनाने की कोशिश की जा रही है, इग्लू बना लो, कुछ बना लो, बना लो बस। चलो यहाँ पे डंडा लेने की कोशिश की जा रही है, देखो जा रहे डंडा लेने। शाबाश बहुत अच्छे, यहाँ पे बना दिया सच में, शाबाश शाबाश, बना दो। गाइस यहाँ पे स्नोमैन इन्होंने बना दिया है, नहीं बना नहीं। चलो आधा बन चुका है, हमारे मिस्त्री जी लगे यहाँ पे, और देखो स्नोमैन बन गया, और यहाँ पे देखो लकड़ी बहुत बड़ी। चलो कोई बात नहीं, ठंड नहीं लगेगी इसको, अब बच्चों की कोशिश जारी। गाइस फुल मस्ती की जा रही है यहाँ पे, फुल एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। नहीं बना दिया देखो स्नोमैन इन्होंने, बना दिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फाइनली इन्होंने स्नोमैन बना दिया देखो। हाँ गाइस देखो इन्होंने स्नोमैन बना दिया है बच्चों की। कहाँ से, इधर से होगा, उठा लो इसको, चाहे एक हाथ इसका, यहाँ पे इधर देख के वीडियो बन रही है ना, देख के यहाँ पे इग्लू बनाने की कोशिश है। अच्छा ठीक है तो सी आप पहले बोल रही है, पहले इग्लू पहले कंप्लीट बनेगा, फोटो खींच लो यार इसकी, हमारे स्नोमैन की। लिख रहे आप बताओ पहले, क्या लिखा आपने, क्या लिखा? श्रेया। अच्छा हिंदी में लिखा है, इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश में मैंने बहुत जगह लिखा है। अच्छा हिंदी में भी लिख दिया, ठीक है। पहली बार आ रहे आपके, पहले देखी आपने बर्फ? मैंने बर्फ पहली बार देखी, पहली बार देखी, कैसा लगा? पहले तो रोज ही देखी है। तो बोले कि फ्रिज में तो बहुत बार देखी है, पर आज पहली बार देखी है, कैसा लग रहा आपको? बहुत बार देखे। हाँ ठंडे तो नहीं हुए? धूप आ रही है तो। सबसे ज्यादा मजे जो मर्जी बोलो श्रीया ने किया, सबसे ज्यादा मजे मजे भी किया, रात को परेशानी में ही होंगी, खाती जाएगी बात।
यहाँ पे स्लाइड करके आएंगे ऊपर से। हाँ बिल्कुल करो, आ जाओ पकड़ ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, जब कूदोगे तो हम पकड़ लेंगे, बैठो। हाँ कैसे करूँ, यहाँ पे एक साइड से दूसरी इस साइड को आना या इस साइड को आना। हाँ जहाँ थोड़ा प्लेन होगा वहीं तो आएगी ना, नहीं तो फिर आ नहीं पाएगी ना। वो तो बर्फ में देख लेंगे, पैंट गीली होने वाली है, देखेंगे कैसे। आ जा, आ रहा, आ रहा, बस बस यहीं पर जाता हूं, ऊंचा जा, थोड़ा सा ही हुआ, कपड़े गीले हो जाएंगे तुम, बस बस आ सकते हो ऐसा था। वो भी बड़े बड़े आएंगे, छोटे बच्चों को रहने दो क्योंकि उधर गड्ढा है ना। ए, चलो अभी इससे ज्यादा कोई नहीं बच्चा जाएगा, बता दे रहे हम। अरना मैंने सुन लिया ना, तो बताई करूंगी इसके बच्चे नीचे में रहना। सोच विचार में कुछ भाई, कुछ गहरी सोच में, कुछ गहरी सोच, कुछ गहरी सोच में कुछ भाई। देखो इधर देखो। हाँ भाई कुछ गहरी सोच में लग रहे मेरे को, आप वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके ना। आ जाओ, कैसे आएंगे अब, बस चल के चल के नहीं फिसलते हुए, पैंट के अंदर मत डाल लेना। एक फुट हो गए, घुटने तक है, अब देख लो तो। एक फुट से ज्यादा, ये देखो ना, ज्यादा है तभी तो मैं आपसे हाथ हो गया ना। वो तो अच्छा, डेढ़ से दो फीट है, ये क्या लफड़ा है, डेढ़ फीट से ऊपर है। मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ, तो आराम से घर जा रहे हैं, आराम से आराम से, पूरी बराबर। मैं तो और ऊपर जा रहा था, बर्फ बहुत है, बर्फ बहुत है। बहुत मस्ती कर रहे हैं सब लोग, और बर्फ देख लो, अब बर्फ कम से कम यहाँ पे एक फुट से ज़्यादा आपको बर्फ अभी हाटू पीक में देखने को मिल जाएगी। अभी हाटू से हम ये कोई एक किलोमीटर पीछे होंगे, बट फुल मस्ती हो रही है यहाँ पे। ये देख लो आप, जो दिल्ली की फैमिली बहुत मस्ती कर रहे हैं हमारे साथ, और हम भी बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे शूटिंग हो रही है, कौन से गाने की शूटिंग होगी भैया? अरे भाई जी कौन सी शूटिंग होनी है अभी, कौन सी गाने रही? बोले अच्छा, बोले तो गाइस बोले बाबा की अभी शूटिंग हुई। और देख देना बेटा ड्रोन है यहाँ पे, चलो ऊपर क्यों जा रहे हो? ये धमकी कौन दे सकता है, हस्बैंड वाइफ को दे सकता है या भाई? सौम्या और दीपांकर और कौन देगा? तो गाइस हम वापस पहुंच चुके हैं अपना स्नो एक्टिविटी पॉइंट जो नारकंडा की। यहाँ पे फिर से बच्चा गिर चुका है, और अपने अमन भाई अंदर ही है, ये देखो, वो देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कैसे गिर रहे हैं। छोटा बेबी देखो, क्या हुआ आपको? अरे इसकी मम्मा ऊपर है ये। अच्छा अभी हम अमन भाई के ढाबे में पहुंच चुके हैं, देखो यहाँ पे स्नो एक्टिविटी, अभी अमन भाई बना रहे अपने चाय बना रहे, देखो चाय बना रहे हमारे लिए। और आप बताओ भी, आपके क्या पूछ रहे थे मैं आपसे, इग्लू के बारे में पूछ रहे थे आपसे, इग्लू के बारे में। तो आगे ही है, मतलब क्या पूछना है उसके बारे में, कुछ चल रहा है अभी भी? हाँ जी हाँ जी चल रहा है। हम वापस पहुंच चुके हैं जो अपना हाटू पीक रोड जाता है, जहाँ से मेन रास्ता है, यहाँ से निकलेंगे हम नारकंडा और शिमला के लिए वापस। तो चलिए चलते हैं वापस अब शिमला की ओर, और आप लोगों को ले चलते हैं वापस।